नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हमें जो है वो जोमेटो या स्विगी किस पर जो है बिजनेस करने के लिए हमें कैसे स्टार्ट करना पड़ेगा। इसमें देखो क्या चीज़ें होती हैं कि जैसे अगर हमें अपना क्लाउड किचन स्टार्ट करना है या हमें होम किचन स्टार्ट करना है और हमें अपना जो रेस्टोरेंट है उसको लिस्ट करना है, तो बेसिकली हमें कैसे उसको जो है वो जोमेटो पर रजिस्टर करना पड़ेगा, स्विगी पर रजिस्टर करना पड़ेगा। दोनों पर लगभग प्रोसेस सेम ही रहेगा, तो मैं आपको जोमेटो वाला प्रोसेस बता देता हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें जोमेटो पार्टनर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा अगर हमें जोमेटो पर बिजनेस करना है, ठीक है। उसके लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उस पर रजिस्टर करने के लिए। पहला डॉक्यूमेंट हमें चाहिए GST नंबर, दूसरा डॉक्यूमेंट हमें चाहिए पैन कार्ड, तीसरा हमें चाहिए फूड एंड सेफ्टी लाइसेंस, चौथा डॉक्यूमेंट हमें बैंक डिटेल्स चाहिए, और पांचवा हमें जो रेस्टोरेंट का हमारा मेन्यू है, ठीक है, वो चाहिए। अगर हम क्लाउड किचन स्टार्ट करने वाले हैं तो कौन सा मेन्यू उस पर रखने वाले हैं वो मेन्यू हमें चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास सारी चीज़ अवेलेबल हो जाएंगी, हमें दो चीज़ों के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एक तो हमें GST नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, दूसरा हमें जो है वो फूड एंड सेफ्टी लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो GST नंबर पर अप्लाई करने के लिए GST की वेबसाइट पर जाकर जो है हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंदर भी बेसिकली यही डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए होता है या फिर वाटर बिल चाहिए होता है, या फिर हमारे को साथ में जो है इसके अपना जो है वो अगर हम रेंट पर हैं तो रेंट एग्रीमेंट चाहिए, अपने बिजनेस का नाम चाहिए जो भी हम रखने वाले हैं या जो हमने रखा हुआ है, ठीक है, वो चाहिए। और उसके बाद जो है हमारे को आधार कार्ड चाहिए, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट जो है वो GST नंबर अप्लाई करने के लिए चाहिए, ठीक है। फिर जब GST नंबर हमें मिल जाएगा तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं अपने जोमेटो के बिजनेस में, ठीक है। और दूसरा हमें चाहिए फूड एंड सेफ्टी लाइसेंस, ठीक है। फूड एंड सेफ्टी लाइसेंस के लिए हम FSSAI की वेबसाइट पर जा सकते हैं और उसकी वेबसाइट पर जाकर हमें जो है इसको अप्लाई करना है, और कुछ ही दिनों में हमें वो भी मिल जाएगा ईजिली, उसमें भी कोई ज़्यादा इशू नहीं होता, ईजिली वो भी अवेलेबल हो जाता है। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स जब हमें मिल जाएंगे तब हम जोमेटो को जो है अपना जोमेटो पार्टनर ऐप को यूज़ कर सकते हैं, और रजिस्टर करने के एक हफ्ते या 10 दिन के बाद हमारा ये जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा और हम इस पर बिजनेस कर सकते हैं। अभी के टाइम में क्लाउड किचन जो है वो बहुत बेस्ट ऑप्शन है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अपने घर से ही, क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ भी रेस्टोरेंट वगैरह की ज़रूरत भी नहीं है और अपने घर से ही हम इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और जो है टॉपिक के साथ। थैंक यू।